हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिव कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2010, शॉर्ट में इसे CEA रेगुलेशंस 2010 कहते हैं, ये हम खत्म कर चुके थे पिछले लेक्चर में। लेकिन आज हम इसमें अमेंडमेंट्स देखेंगे। 2010 में रेगुलेशंस फोर्स में आया था, लेकिन उसके बाद रेगुलेशन में कई बार अमेंडमेंट्स हुए। हम एक बार वो अमेंडमेंट्स देख लेते कब कब हुए। देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2015, मतलब 2015 साल 2015 में इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे। हम एक बार देख लेते वो क्या थे। उसके बाद भी इसमें अमेंडमेंट्स हुए हम सभी देखें। तो देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 13th अप्रैल 2015 को ये इन्होंने जारी किया था। और पब्लिक नोटिस निकालते जब भी कोई अमेंडमेंट करते हैं रूल्स रेगुलेशंस में, तो उसका एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट निकालते हैं, और ड्राफ्ट अमेंडमेंट निकालने के बाद उसे पब्लिक में नोटिस बना के जारी किया जाता है, और वो उसमें फिर पब्लिक से इन्विटेशंस मांगे जाते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, तो आप बताइए, अदरवाइज हम इसको फाइनल करते हैं। तो ये वही नोटिस। तो हम देखते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These regulations may be called the Central Electricity Authority Measures Relating to Safety Electric Supply Amendment Regulations 2015. अब इसका नाम कहलाएगा CEA Amendment Regulations 2015, ठीक है? और ऑफिशियल गजट में आने के बाद से ये रेगुलेशन पब्लिश हो जाएगा, मतलब फोर्स में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे हम एक बार वो देख लेते हैं। इन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी इन इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2010 हियर इन आफ्टर रिफर्ड टू एज द सेड रेगुलेशंस इन रेगुलेशन 2 इन सब रेगुलेशन का आफ्टर क्लॉज एट द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर मींस अ पर्सन एज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज रिफर्ड टू इन रेगुलेशन 5A। मतलब ये कुछ उन्होंने डेफिनेशंस में जोड़ी हुई चीज़ें। डेफिनेशन सबसे पहले आता है, तो उसमें एफ क्लॉज के बाद ये वाली एफ ए करके और जोड़ दिया एक डेफिनेशन चार्टर्ड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंजीनियर की। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की डेफिनेशन जोड़ी है। फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर की डेफिनेशन जोड़ी है। हम फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर की डेफिनेशन ऊपर देख लेते हैं। फॉर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लॉज 5 को। फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर मीन्स एन इंक्लोजर इन विच द पार्ट्स विच कैन इग्नाइट एन एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर आर प्लेस्ड एंड विच कैन विदस्टैंड द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग एन इंटरनल एक्सप्लोजन ऑफ एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर एंड विच प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ एक्सप्लोजन टू द एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर सराउंडिंग द इंक्लोजर। उन्होंने फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर को ये कहा है कि ऐसे पार्ट्स जो कि किसी एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर को इग्नाइट कर सकते हैं या फिर इतना प्रेशर डेवलप कर सकते हैं कि उसमें इंटरनल एक्सप्लोजन हो जाए उस मिक्सचर में, या फिर इस तरह का ऐसा जो कि प्रिवेंट करता हो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर आसपास बनने हैं। फिर इसमें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की डेफिनेशन ऐड करी गई है ZAA करके। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मीन्स ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अंडर दिस रेगुलेशंस। मतलब ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो कि टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, उसे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कहा गया और उसके डेफिनेशन भी उसमें ऐड की गई। फिर ZC को सब्सटीट्यूट किया गया। इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट की डेफिनेशन को उन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। फिर इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। फिर ZK क्लॉज के बाद उन्होंने ZKA डाला, नोटिफाइड वोल्टेज करके एक डेफिनेशन डाला है। फिर ZW क्लॉज इंसर्ट किया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ सप्लायर और द ओनर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज रिक्वायर्ड इन द रेगुलेशन 30 एंड रेगुलेशन 43। रेगुलेशन 30 और रेगुलेशन 43 में जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो हम खुद ही सर्टिफाई करके दे रहे हैं, ये होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो इसको एक इंसर्ट किया गया इस क्लॉज को जो पहले नहीं था उसमें, इस डेफिनेशन को। फिर इन द सेट रेगुलेशन फॉर रेगुलेशन 5 द फॉलोइंग रेगुलेशन सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड नेमली, उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर डाला गया है, उसकी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। फिर इन द सेट रेगुलेशन आफ्टर रेगुलेशन 5 द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड नेमली, और दूसरी रेगुलेशन भी इसमें ऐड किया गया है, इसमें 5A करके चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर। फिर चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर की डेफिनेशन को सब्सटीट्यूट करा गया है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर की डेफिनेशन में ऑल सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शैल डेजिग्नेट एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर फॉर इंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स स्पेसिफाइड अंडर दीज रेगुलेशंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशन सब स्टेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर्स जो भी हैं, जिसमें कि जनरेटिंग कंपनीज हों या फिर वो ट्रांसमिशन कंपनीज हों या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों, उन्हें एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेट एक ऐसा पर्सन करना पड़ेगा जो कि वहाँ पर सेफ्टी के मेजर्स को इंश्योर करे। और इस रेगुलेशंस में जो भी दिया है ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस पावर स्टेशन सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स सबको वो गवर्न करेगा, मतलब वो डेजिग्नेटेड पर्सन चाहिए जो इन सबको संभालते। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए डिग्री होल्डर जिसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। और भी है इसमें चीज़ें, फिर इसमें जो चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एक ऐड किया गया 5A बना के नया, वो भी देख लेते हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथोराइज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 5 टू असिस्ट द ओनर और सप्लायर और कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर रेगुलेशन 30 एंड रेगुलेशन 43। ये एक नई चीज़ ऐड करी है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज कर सकती है कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर्स को जो कंपनी से टाई अप कर ले या कंपनी की तरफ से वो रिप्रेजेंट करें। वो चीज़ें जो कि बताई गई हैं रेगुलेशन 30 और रेगुलेशन 43 में जो चीज़ें बताई गई हैं वो उन चीज़ों को बना के उसको सेल्फ सर्टिफाई करके रिप्रेजेंट कर दे सेफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास। गवर्नमेंट ऐसे भी कुछ लोगों को ऑथोराइज। फिर 6th अमेंडमेंट किया है इन द सेट रेगुलेशंस फॉर सब रेगुलेशन 32 द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। 32 नंबर की रेगुलेशन के सब रेगुलेशंस में ये चीज़ें सब्सटीट्यूट कर दी है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। फिर 7th अमेंडमेंट किया है इन द सेट रेगुलेशंस फॉर सब रेगुलेशन 42 द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। रेगुलेशन नंबर 42 के सब रेगुलेशन में अर्थ लीकेज प्रोटेक्ट डिवाइस को चेंज कर दिया गया है सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। फिर 8th अमेंडमेंट इन द सेट रेगुलेशंस फॉर सब रेगुलेशन 43 द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड नेमली। सब रेगुलेशन नंबर 43 में ये चेंज किया गया है अप्रूवल बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये सब चेंजेस है उसमें। फिर है चेंज जो अमेंडमेंट किया है 9th नंबर का इन द सेट रेगुलेशंस फॉर द मार्जिनल हेडिंग्स एंड सब रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 44 द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड न्यूली। रेगुलेशन नंबर 44 के सब रेगुलेशन 1 में हेडिंग्स और कुछ चेंजेस किए गए हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वोल्टेज एक्सीडिंग नोटिफाइड वोल्टेज। फिर 13th अमेंडमेंट है इन द सेट रेगुलेशंस फॉर रेगुलेशन 99 द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड न्यूली मैथड ऑफ अर्थिंग। रेगुलेशन नंबर 99 में मैथड ऑफ अर्थिंग को सब्सटीट्यूट करके ये चीज़ जारी गई है। फिर 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं इन द सेट रेगुलेशंस इन शेड्यूल 4 रिलेटिंग टू फॉर्म्स ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। शेड्यूल नंबर 4 में जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के फॉर्म दे रखे हैं उसमें अंडर द सब हेडिंग फॉर्म 1 इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज अप टू इंक्लूडिंग 250 वोल्ट इसमें ये चेंज कर दिया है, ये ऐड किया है। ये पूरा आप देख सकते हो फॉर्म पूरा ऐड कर दिया है। तो ये थे अमेंडमेंट्स 2015 ईयर में जो किए गए थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सप्लाई अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2015। अब इसका नाम है अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2015। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें हम अगला अमेंडमेंट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।